हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो वो आपको कैसे प्राप्त करनी है तो सिंपली मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको पूरी जानकारी कैसे लेनी है। तो सिंपली आपके पास कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास यूसी ब्राउज़र है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ब्राउज़र ये बिल्कुल ही सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए आपके पास। मतलब कोई बढ़िया क्वांटिटी का ब्राउज़र होना चाहिए। तो सिंपली आप कोई भी क्रोम या यूसी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे जो लिखना है तो उससे पहले, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा नहीं तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है CDLU। इतना लिखने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे .ac.in कर देना है आपको यहाँ पे, तो और यहाँ पे गो कर देना है। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको उसके ऊपर टैब करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले, हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सिंपली जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है तो मेरा थोड़ा नेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर ओपन हो गया है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे साइड में 3 डॉट मिल जाते हैं। तो मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे 3 डॉट मिल रहे हैं। तो सिंपली आपको उसके ऊपर टैब करना है। टैब करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली अगर आपको, मैं आगे जाके और भी इस वीडियो के बारे में और भी बताने चाह रहा हूँ तो आप ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा, नहीं तो पूरी जानकारी नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट वाले पे ना क्लिक करके एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। तो आपको सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो थोड़ा नेट स्लो है, तो आपके सामने यहाँ पे वो कोर्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखते हैं MED और BTech MTech सेंटर रिपेयर फुल एग्ज़ाम। तो आपको हर प्रकार की जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। और मैं आप बता देता हूँ डेट शीट, मान लीजिए आपको डेट शीट देखनी है तो आपको यहाँ पे नीचे डेट शीट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको देखते रहिए पूरी वीडियो भी। तो आपको यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जामिनेशन यानी कि सेंटर रिपेयर वाले एग्जामिनेशन, तो आपको वहाँ पर टैप करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, तो आपके में भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे उनकी पूरी जानकारी लिखी होती है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली अब मैं बाहर निकल, तो अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए, स्पोर्ट्स काउंसलिंग मतलब आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रिजल्ट नहीं निकाल सकते आप। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपको रोल नंबर निकालना है तो यहाँ पे करना है क्लिक रोल नंबर वाले में। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या देना है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है या फिर अपना ओल्ड रोल नंबर देना है। ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है। और आपको यहाँ पे कैप्चा कोड, तो सिंपली मैं पहले एक बार रोल नंबर भर के दिखा देता हूँ किस तरह आपको भरना है। तो सिंपली मैं भर देता हूँ कुछ भी, तो आपको बिल्कुल सही सही भरना है। तो बिल्कुल सही सही भरिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको गलती होने पर आपका कुछ डाउट भी रह सकता है। फिर इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो मैंने अभी गलत भरा था तो इसलिए इनवैलिड कैप्चा कोड, मैंने कैप्चा भी गलत भरा। और तो मैं फिर से एक और बार दिखा देता हूँ आपको भर के। तो आपको इसी तरीके से भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपके सामने निकल गया है। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।